सब लोगों को, पूरे देश के लोगों को निराशा हुई है। लगा कि प्रधानमंत्री जी कुछ जो है सही बात करेंगे, लेकिन उनको केवल जो है विपक्ष के ऊपर निशाना साधने से और कोई बात जो है पल्ले नहीं पड़ा। देश हित में जिस प्रकार से बातें बतानी चाहिए थी, जो कदम उनकी सरकार को जो उठाना चाहिए था मणिपुर को लेकर के, वो बातें जो हैं उस हिसाब से उन्होंने कही नहीं। और इस तरह की बातें अगर विपक्ष को बोल रहे हैं घमंडिया या कोई अलग अलग शब्द, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। और जब से ये गठबंधन बना है, पूरे देश भर में विपक्ष की एकता हुई है, जिसकी कवायद माननीय नीतीश कुमार जी, लालू जी ने पूरे दौर पे जो है शुरुआत की, जैसा बिहार में किया वैसे ही देश में हम लोग करते हैं, तो ये लोग डरे हुए। नतीजा वही होना है जो बिहार में हुआ, वही देश में होना है। तो ये घबराहट की जो है आप कह सकते हैं, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी पहले से जो है बदला हुआ नजर आ रहा था, कोई दम नहीं था। अरे भाई, भ्रम में रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, भ्रम में रहने दीजिए। कल तो चौके छक्के की बात कर रहे थे, विपक्ष का गुगली उनको समझ में आएगा। ये ललन सिंह ने कहा कि देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।